Let us now start our next CV, which is shear modulus and bulk modulus. Shear modulus is the ratio of shearing stress to the corresponding shearing strain. Shear modulus ka symbol G hota hai and isse modulus of rigidity bhi kehte hain. Yadi L side ke kisi cube par tangential force apply karne par iski opposite side mein डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एल. डेल्टा एक्स बाय एल को थीटा लिखने पर हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा. शियर मॉडुलस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है. यहां पर कुछ मटीरियल्स के लिए यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस की वैल्यू गिवन है. इस टेबल में देखा जा सकता है कि किसी भी मटेरियल के लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जनरली शियर मॉड्यूलस से ज्यादा ही होती है. और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप खुद से जानिए. लेट अस नाउ सॉल्व वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज लाइक दिस. अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड. इस क्यूब के ऊपर हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं of magnitude 4 into 10 raised to the power 5 newton. हमें calculate करना है the twist produced in this cube. Modulus of rigidity हमें दिया हुआ है 6 into 10 raised to the power 10 newton per meter square. So let us see how are we going to solve this. सबसे पहले हम इसका visual diagram बनाते हैं. यहाँ पे एक cube दिखाया है हमने जिसकी edge है 4 centimeter की. उसके ऊपर force लगाएंगे तो एक साइड का एज डिस्प्लेस हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा. और यही एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है. फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन. एरिया हम निकाल सकते हैं वो आ जाएगा 0.0016 मीटर स्क्वायर. जी होता है एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा. जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. एफ भी गिवन है. ए अभी हमने कैलकुलेट किया है. यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं तो थीटा हो जाएगा एफ अपॉन जी ए. वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/240 रेडियंस विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.238 डिग्रीज. चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है. अ स्क्वायर लेट स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स एंड दिस शियरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द नैरो फेस. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन एज 9 × 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन. द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर. दैट मीन्स जो इस स्लैब का लोअर पार्ट है उसको हमने फ्लोर से बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है. हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड. दैट मीन्स इस शियरिंग फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अपर एज में. हमें जी विच इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर लेड स्लैब को विजुलाइज करके इसका डायग्राम बनाते हैं. तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा. फ्रंट साइड पे आपको एक स्क्वायर दिखेगा 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर पे एंड इस स्क्वायर की जो डेप्थ होगी या थिकनेस होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से फोर्स लग रहा होगा एफ. लेट अस नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फेस व्हिच इज पैरेलल टू दिस फोर्स. तो ए हो जाएगा 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2. जो यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दी है उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है. तो यहां से एरिया आ जाएगा 0.05 मीटर स्क्वायर. नाउ जी हमें पता है होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन. जी को हम लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एल. यहां पे हमने शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन की वैल्यूज रख दी हैं. रीअरेंज करके डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एल डिवाइडेड बाय ए जी. क्वेश्चन में हमें एफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें एल दिया हुआ है, ए अभी हमने निकाला है एंड जी की वैल्यू भी गिवन है. सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी
0.16 mm. आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम बल्क मॉड्यूलस के बारे में पढ़ते हैं. बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन. इसे सिंबल बी से डिनोट किया जाता है. जब हम वी वॉल्यूम के स्फीयर को एक फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो इस पर एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगता है जिसकी वैल्यू हाइड्रोलिक प्रेशर के इक्वल होती है. इसके कारण स्फीयर के वॉल्यूम में डेल्टा वी का चेंज आता है. तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी होगा. इस प्रकार बी इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी लिख सकते हैं. यहां पर नेगेटिव साइन यह बताता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है. तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव होगी. इस प्रकार बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है. रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है एंड इसे सिंबल के से डिनोट करते हैं. इस प्रकार हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू वन बाई वी विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डेल्टा पी. कंप्रेसिबिलिटी को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर. यहां पर हमें कुछ मटेरियल्स के लिए बल्क मॉड्यूलस बी की वैल्यू गिवन है. वी कैन सी सॉलिड्स के लिए बी की वैल्यू लिक्विड्स एंड गैसेस से बहुत ज्यादा है. गैसेस के लिए बी की वैल्यू बहुत ही कम होती है. सिंस वी नो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इसलिए गैसेस के लिए के की वैल्यू लिक्विड इन सॉलिड से ज्यादा होती है. गैसेस सॉलिड के कंपैरिजन में मिलियन टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं. गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से टाइटली कपल्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं. जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में यह कपलिंग सॉलिड से कम स्ट्रांग होती है. गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ही पुअर कपलिंग होती है, इसलिए गैसेस बहुत अधिक कंप्रेसिबल होती हैं.